जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले चले बियारों के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे। अस्सलाम वालेकुम सर। वस्सलाम सर, आपको फेस्टिवल में आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें स्टार्स लगे हैं, कल्चरल ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, यहाँ पे पोइट्री के सेक्शंस हो रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे डिस्कशन हो रहा है, और यूथ जो है उसके जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं पाकिस्तान के, और सोशल और वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत सारे डिबेट्स हैं जहाँ पे रेशनल डिस्कशन हो रही है, और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, हमारे यूथ हैं, जहाँ से आइडियाज़ वगैरह गेन कर रहे हैं, न्यू फ्रेश आइडियाज़ वो तो गेन कर रहे हैं। आप हमें ये चीज़ बताएं कि आपको फेस्टिवल में आके सबसे यहाँ की यूनिक चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी? सबसे यूनिक ये चीज़ लगी, यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज़ हैं, और यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं, ये जो आपके नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी नेचर जो है पॉल्यूट हो रही है, आप देखे हैं पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, स्मोग हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, और चाइल्ड अब्यूज़ है सोसाइटी के अंदर, वुमन के अब्यूज़ किया जाता है, तो हरासमेंट किया जाता है, तो उसको सारा रियलाइज़ करने के यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे शायरी हो रही है, यहाँ पे मोटिवेशन हो रही है, मुख्तलिफ मतलब शहर से लोग इधर आए हैं जो इन चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहे हैं। सर, आप यहीं लाहौर के या फिर अभी आउट ऑफ सिटी से हैं? मैं कराची से। आप कराची से स्पेशल इस फेस्टिवल के लिए आए हैं? आप मुझे ये चीज़ बताएं कि हमारे आजकल कंट्री में ये चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं, ऐसे फेस्टिवल बहुत कम होते जा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में ऐसे फेस्टिवल्स को प्रमोट करना चाहिए? देखें ना, अब पाकिस्तान का मसला ये है कि जब अगर हिस्ट्री में हम देखें, इस्लामाइजेशन ऑफ जा, उसके अंदर जितने भी हमारे लिटरेचर था, कल्चर था, मूवीज़ होती थी, फेस्टिवल होते थे, उनको ख़त्म कर दिया, सिर्फ रट्टा रगाई जो मदरसे वगैरह वो उसका जो कल्चर है ज़्यादा कल्टिवेट किया, उससे बाद ये जो मोटिवेशन ये चीज़ें होती है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जहाँ से गेन करते हैं, पाकिस्तान का इमेज जो बाहर है, फॉरेन इमेज है पाकिस्तान का, वो एक सॉफ्ट इमेज जाता है, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है हमारी, और यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात अच्छे हो जाएंगे, और हमारी जो एक्सट्रीमिज़म जो सोच है ना बच्चों के यूथ के अंदर, वो चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी, वो पॉजिटिव उनके ब्रेन ग्रो करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने ये चीज़ बोली है सर। सर, आप मुझे यहाँ पे ये चीज़ बताएं कि जो हमारी यहाँ पे यूथ आ रही है, हमारी न्यू जनरेशन यहाँ पे आ रही है, वो इन फेस्टिवल से कितना सीखती है, और बजाय इसके कि वो यूनिवर्सिटीज़ में कितना सीख रही है? एक चाइनीज़ बड़ा एक प्रोवर्ब है कि ट्रेवलिंग इज़ ए यूनिवर्सिटी, जब आप ट्रेवल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बच्चे, जो बुक्स के अंदर चीज़ें पेंटिंग देखते हैं, मीनार पाकिस्तान हिस्ट्री, वो यहाँ पे आके सीखते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अपनी बात आगे सामने रखते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो ये जो कल्चर है ना, ये पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, मेरा तो ख्याल है एक मंथली सेक्शन होना चाहिए पूरे सूबों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इस तरह के इनिशिएटिव ले, ताकि यूथ की पार्टिसिपेशन हो, हम उसकी करियर काउंसलिंग कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें फर्दर, और इंटरनेशनली भी इनके साथ कोलाब्रेशन होना चाहिए बहुत सारे इवेंट्स को, ताकि वहाँ से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकें। सर, इस फेस्टिवल का बेसिकली नाम है फैस फेस्टिवल, तो आप फैस साहब की कोई पोइट्री आती हो तो ज़रूर सुनाएं? मुझे याद तो नहीं अभी, मगर फैस एक बहुत बड़े शायर थे, जो पाकिस्तान के तो क्या पूरे हिंदुस्तान के, पूरे हिंद के और सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत ग्रेट पोएट थे, जिसने अपने फिलोसफी के थ्रू, अपने कलम के थ्रू, अपने आइडियाज़ के थ्रू लोगों के अंदर एक तस्वर दिया है कि जो इंसान है ना, इंसान की बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इंसान फ्री है, किसी मतलब वो गुलामी से उसने आज़ाद किया है पूरे इंसानियत को मेरे ख्याल से। आप जाने से पहले हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, या फिर ये इस फेस्टिवल के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हो? मैं ये यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी जो यूथ है ना, मोस्टली सोशल मीडिया में गेन अपना टाइम वेस्ट कर रही है, वो बुक रीडिंग की तरफ आए, बच्चों को हम जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको
मोबाइल वगैरह जो स्मार्टफोन्स हैं उसे दूर रखें, उनको करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, हम जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और पॉजिटिव एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करें ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है ना वो पॉजिटिव तक मूव करें। अगर IT को आपने यूज़ करना है तो पॉजिटिव पर्पज़ के लिए, जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकें, अपनी फैमिली को फीड कर सकें और पाकिस्तान को भी रेवेन्यू जनरेट करके दें, वहाँ पर टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। TikTok ये फजूल चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नम्रा, आप हमें ये बताएं कि आपको फेस्ट फेस्टिवल में आके कैसा फील हो रहा है? मेरा पहली बार था फेस्ट फेस्टिवल पे, क्योंकि मैं पहले इससे पहले सांबा थी, हमेशा रूट्स मेरे लाहौर की हैं, तो हमेशा इस तरह का एक फेस्टिवल में अटेंड करना चाहती थी जहाँ पे हम अपनी रूट्स से मिलें, उनको पहचानें। और फिर इतने माशाल्लाह फ़नकार अदीबों से मुलाकात हुई, जिसमें सलीमा हाशमी साहिबा से अगर हम शुरू करें, अदील हाशमी से शुरू करें, उसके बाद और उस्मान ज़िया से भी मेरी मुलाकात हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल है, वो आपके फेस से देख के भी लग रहा है बहुत एग्जैक्टली। मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की, बस मैं हर पैनल में कहीं ना कहीं घुस जाती हूँ कि ये भी अटेंड कर लूँ, वो भी अटेंड कर लूँ। अभी हम ड्रम सर्कल से होकर आ रहे हैं। पूरे फेस्टिवल में सबसे यूनिक चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे यूनिक चीज़ है डाइवर्सिटी। यहाँ पे आप हर तरह का एज ग्रुप भी देखेंगे, आप हर तरह का जेंडर भी देख रहे हैं, और आपको देख के इतनी खुशी महसूस होती है कि हमारे पेरेंट्स ये कहा करते थे कि बस हम लोग ही हैं जो कल्चर के पास है, तुम लोग तो कहीं नहीं। तो अगर आप देखें तो यंग जनरेशन कितना यहाँ पे इंक्लूडेड है और कितना वो इसको खुशी से अटेंड कर रहे हैं, माशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, हम हमें ये बताएं कि जो हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे यूथ हैं, वो आजकल मोबाइल फ़ोन, टिकटॉक और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा, क्या आपको नहीं लगता कि उन चीज़ों को छोड़ के हमें ऐसे फेस्टिवल से ज़्यादा? बेशक बेशक। और यहाँ पर आप देखें, आपको जिन लोगों से आप मिलते हैं, असल तो इंसान का एक्सपीरियंस है ना जिससे आप जान सकते हैं उसको, तो यहाँ पे आके आपको ऐसे बुजुर्गों से मुलाकात होती है जिनका फ़न ही उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने फ़न पे ही गुजार दी है। बिल्कुल। तो बिल्कुल मोबाइल से निकले, यहाँ पे आके लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, उनका फ़न देखें, उनका आर्ट देखें, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशन के लिए। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं, आपने भी एक ट्रेडिशनल लुक वेयर किए, बहुत खूबसूरत आप भी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो आप हमें ये बताएं कि आप जाने से पहले हमारे जितने भी यूथ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना? बस यूथ के लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ इस तरह के फेस्टिवल्स अटेंड करें। LLFP हो रहा है 24 फरवरी को, प्लीज़ आएँ उस पर और यहाँ पर आके देखें कि जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ के गए हैं वो मीनिंगलेस नहीं है, वो आज भी रेलिवेंट है, आज भी बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत खूबसूरत बात बोली है कि हमारे जितने भी ये फेस्टिवल होते हैं वो मीनिंगलेस नहीं होते, उनकी कोई ना कोई वजह होती है और वो हमारे एक ट्रेडिशनल चीज़ों को हम तक पहुँचाते हैं। किंज़ा, आप हमें ये बताएं आपको इस फेस्टिवल में आके कैसा फील हो रहा है? मैं स्पेशली फैसलाबाद से आई हूँ इस फेस्टिवल को अटेंड करने, फर्स्ट ऑफ ऑल। जी बिल्कुल। और मेरे फ्रेंड्स जो हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं मुझे यही कह रहे हैं कि कंजा तुम्हारा जो जोश है ये काबिले दीद है। बिल्कुल, आपके फेस से हमें नजर भी आ रहा है, बहुत खुश हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आजकल के स्ट्रेसफुल माहौल में, जैसा कि करंटली हमारी कंट्री का जो चल रहा है उसमें, इस तरह के फेस्टिवल्स हैं जस्ट यू नो जस्ट अ बीम ऑफ यू नो अ लाइट होते हैं, एंड अ रे ऑफ होप होते हैं, और एक वो वाली किरण होते हैं उम्मीद की जो तरफ उजाला कर देते हैं। ये वो त्यौहार हैं जो कि हमें साल में एक दफ़ा नहीं बल्कि साल में मेरा फ्रेंड कह रहा है हर रोज़ होना चाहिए, साल में कई बार मनाना चाहिए। और मेरा एक और भी पैगाम है इस प्लेटफॉर्म के जो है ना, वो यहाँ पे मैं खड़े इसको मैं यूज़ करूँगी प्लेटफॉर्म को, और मैं कहूँगी कि वाई ओनली द सिटीज़ लाइक लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची, हम लोग इन फेस्टिवल्स को why can't we you know promote these festivals in the cities like Gujranwala, Faisalabad and Sialkot? हमें मेरा ख्याल से उन शहरों की तरफ मूव करना चाहिए ताकि कल्चर, आर्ट, अदब और सकाफत जो है वो पूरे पाकिस्तान में पहुँचे, क्योंकि शऊर की ज़रूरत इस वक्त पूरे पाकिस्तान को है। अच्छा, आप फेस फेस्टिवल में आई हैं, आप कोई फेस साहब की कोई एक पोइट्री सुना दे, क्लाइंट सुना दे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, अरे वाह, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, झगड़ा क्या। हमारे साथ इस टाइम पे तनवीर साहब मौजूद है, हम लोग उनसे कुछ फैज साहब की गजलें सुनेंगे, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। कैसे हैं आप तनवीर जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। आप मैं भी ठीक ठाक। क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? मैं फैज साहब की एक नज़्म सुनाना पसंद करूंगा। जरूर। फैज साहब जब उनको कचहरी लाया गया तो वो तांगे पर उनको लाया गया, तो जाहिर है फैज साहब की शख्सियत एक ऐसी थी कि लोग उनको ऑब्वियसली जानते थे, तो हर आम खास उनको देखने के लिए जब बाजारों पर सड़कों पर मौजूद था, तो फैज साहब ने फिर वो उस दौरानिए में जो सोचा उन्होंने कचहरी से वापस आकर फिर जेल में ये लिखा कि चश्मे नम जाने शुरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में बाबजोला चलो, मस्त अफशां चलो, मस्त रक्सां चलो, खाक बरसर चलो, खून बदामा चलो, राह तकता है सब शहरे जाना चलो,
हाकिम शहर भी मजमा आम भी तीर इल्ज़ाम भी संग दुश्नाम भी सुबह नाशाद भी रोज़े नाकाम भी इनका दमसाज अपने सिवा कौन है शहर जाना में अब बासफा कौन है दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है रख्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो अब हम ही कत्ल हुए यार चलो क्या बात है बहुत खूब। अच्छा आप खुद क्या करते हैं? मैं खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी केमिस्ट्री मेरी चल रही है अभी नियर टू एंड का शायरी से क्यों कुछ केमिस्ट्री समझ नहीं आई और चूंकि मेरी फैमिली वाइज भी और मेरा अपना भी एक लिटरेरी शौक है अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने अपने शौक के लिए फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू भी किया उस हवाले से फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैज साहब काफी याद है। कमाल हो गया। अच्छा सर आप हमें ये बताएं कि आपको फेस्टिवल में आके कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। आप कह लें कि वैरायटी ऑफ पीपल आपको यहाँ पे मौजूद हैं हर तरह के लोग मिलते हैं एक ताल्लुकात की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात भी हो जाती है और सीखने को भी ऑब्वियसली बहुत कुछ मिलता है। आप यहाँ से क्या सीख के जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आके एक तो बुक्स के हवाले से हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम बुक स्टडी का जो लोग शौक रखते हैं उनको एक ही जगह पर एक ही छत के तले बहुत सारी किताबें देखने का मौका मिलता है और मुख्तलिफ रीजन से आए हुए लोगों से मुलाकात का मौका मिलता है जो कि हमारे लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जब मोबाइल का सोशल मीडिया का दौर आ गया तो पीडीएफ में अब हर चीज आपको मिल जाती है तो बुक्स की वो एक जो हम लोग जाते थे शॉप से बाय करते थे वो चीज बिल्कुल खत्म होती जा रही है? जी मैडम वो आपकी बात बिल्कुल बजा है लेकिन जो किताब की अहमियत है वो अपनी जगह पर बजा है। जैसा कि वो शायर का नाम तो मुझे याद नहीं किसी ने लिखा है कि कभी आंखें किताब में गुम हैं और कभी गुम है किताब आंखों में। तो ये जब हम किताब को डायरेक्टली देखते हैं और उसके पढ़ने का वो एक अपना मजा होता है चाहे पीडीएफ में मौजूद। आप जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं व्यूअर से यही कहना चाहूंगा कि हमें इस तरह के मौकों पे किसी भी जगह पे इकट्ठा होना चाहिए और इस तरह से एक हार्मनी अमंग द पीपल वो भी बढ़ती है और हमारे इस तरह के इवेंट्स को मजीद आने वाले वक्त के लिए पजीराई मिलती है कि हमें इस तरह से आना चाहिए। डॉक्टर तनवीर के बाद हमारे साथ अभी मौजूद हैं आदिल साहब। हम लोग उनसे भी कुछ सुनेंगे पर मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि वो डी फार्मेसी के स्टूडेंट उनका शायद थर्ड ईयर जा रहा है तो आजकल के हमारी जो न्यू जनरेशन है वैसे तो पोइट्री को लेके लोग बहुत कम ऐसी चीज़ों में अब आते हैं पर मुझे इस फेस्टिवल में आके ये बहुत खुशी हुई है कि आजकल के हमारी न्यू जनरेशन अभी भी इन चीज़ों में जोक रखती है। तो हम लोग बात करेंगे आदिल से। अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं भी ठीक हूँ। आपको यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है? मुझे आके जबरदस्त फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मुझे मिलकर बहुत जो है खुशी भी हो रही है। वो इस तरह के मैं भी एक उर्दू अदब से ताल्लुक रखता हूँ, कॉलम निगार भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पर आके मैंने दो तीन लोगों से अपने कॉलम भी कुछ उनसे सीखे, अपने बात की कॉलम से, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ टिप्स वगैरह भी दिए। सर आप वैसे तो डिफॉर्मेसी कर रहे हैं तो मतलब वो केमिस्ट्री कर रहे थे, मुझे केमिस्ट्री वाकई में अभी तक समझ नहीं आई कि एक डॉक्टर और एक शायर दोनों चीजें सेम कैसे हो सकती हैं। अरे मेरा मानना ये है कि ये एक कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ शौक और शौक रखे हुए होते हैं तो हर किसी का शौक और शौक मुख्तलिफ होता है तो हमारा भी जरा इस तरह का है कि जरा अल्लाह ने कुछ रखा हुआ है शौक शौक। तो वैसे आजकल का हमारा जो माशरा चल रहा है वो यही कहते हैं कि अच्छा ये पोइट्री कर रहा है, इसको शेर और शायरी पसंद है, मतलब इसका दिल टूटा हुआ, तो ऐसा कुछ होता है? अच्छा ये इसमें मेरा ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी कह सकते हैं आप, लेकिन ऐसा 90% केसेस में हुआ होता है तो 10% कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका दिल नहीं भी टूटा था फिर वो भी शौक होता था। चलिए आप सुनाए हमें क्या आप सुनेंगे। अच्छा मैं फैज अहमद फैज साहब की एक शेर सुनाना चाहूंगा और शेर का थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह है कि ये शेर वो जिस यूनिवर्सिटी की छत में बैठ कर अक्सर तन्हाई के आलम में पढ़ा करते थे और शेर इस तरह है कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे जैसे होले से चले सहराओं में बादे नसीम, जैसे होले से चले सहराओं में बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। बहुत इसके अलावा अगर कोई आप कुछ चीज सुनाना चाहे? इसके अलावा तो फिलहाल यही था और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हमें तो बहुत खुशी हुई है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है वो आज भी शेर और शायरी में जोक रखती है, उनको आना चाहिए इस चीज में, प्रमोट करना चाहिए इस चीज। जी मैं इसको इस तरह लूंगा कि हमारी जो न्यू जनरेशन उसको भी चाहिए कि वो जरा बुक्स, क्योंकि ना आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और अपने फार्मेसी को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके बुक्स के साथ अपने फील्ड के साथ साथ ऐसा कुछ लोग लाजमी रखे जो आपके
सोसाइटी में लाजमी इम्पैक्ट डाले, और वो इस तरह भी हो सकता है कि जो आपका किताबें पढ़े तो तभी आपको इलम आते, तो किताबें बहुत जरूरी होती है। कैसी है फातिमा? आई एम गुड, थैंक यू। आपको फेस्ट फेस्टिवल में आके कैसा लग रहा है? फेस्ट फेस्टिवल इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ टू कम एंड डिस्कवर कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, अदबी डोमेन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, और हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम लोगों को कौन ब्लाइंड साइड कर रहे हैं। यहाँ पर अभी सरमद खूसर साहब का शो था, अभी डॉक्टर परवेज साहब की टॉक थी, तैमूर लाल साहब की टॉक थी, एंड इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल अमेजिंग। हम लोगों को आमतौर पर घर बैठे ये नहीं पता होता कि क्या चल रहा है, कौन राइटर्स हैं, कौन स्पोक्स पर्सन्स हैं, तो इट इज़ वेरी ग्रेट। यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी टॉक्स चल रही हैं, और हर एक डोमेन के बारे में चल रही हैं, एंड इट इज़ अमेजिंग। यहाँ पर एंटरटेनमेंट भी है, और इट्स ऑल इन ऑल पैकेज। तो आप फेस्टिवल में आई, आप जाते हुए कौन सी ऐसी याद यहाँ की अपने साथ लेके जा रही हैं? यहाँ की जो याद है दैट इज़ बेसिकली अराउंड द हिस्ट्री एंड पोलिटिकल टॉक्स दैट वी हैड विद तैमूर साहब। डॉक्टर तैमूर इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, एंड उनकी जो नेचर ऑफ टॉक्स है, जिस तरह से वो एक लेमैन की लेवल पर आकर उसको वो सारी बात समझाते हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स ग्रेट। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले, चले बियारों के गुलशन का कारोबार चले, बादलों बाहर चले। मकाम फैज़ कोई राह में जचा,